हेलो गाइज़ वालेकुम और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और जो गाइस ये था सुबह सुबह का टाइम तो जो है सुबह सुबह जो है मैं खाना बना लेती हूँ जल्दी ही खाना बना लेती हूँ तो सोचा आपके साथ भी रेसिपी शेयर करूँ वैल well, आलू की कतलियाँ तो सबको ही बनाना आती हैं एंड बहुत ईजी सी रेसिपी होती है यहाँ बस सिर्फ एक सॉस पैन ले लिया था नॉन स्टिक का एंड देन पुट ऑयल मतलब उसमें ऑयल डाल दिया था और ज़ीरा डाल दिया तो जब ऑयल जो है गर्म हो गया था तो उसमें ज़ीरा ऐड कर दिया था अब जब ज़ीरा जो है थोड़ा सा भुन जाएगा मतलब रोस्ट हो जाएगा तो हम इसमें जो है आलू की कतलियाँ ऐड कर देंगे ज़ाहिर आलू कतलियाँ जो हैं वो बहुत ईजी सी रेसिपी होती है झटपट तैयार होती जाती है और सबको ही बनाना आती है ज़ाहिर है तो बस मैं बना ली थी सोचा कि शेयर कर लूँ ज़ाहिर सबकी रेसिपी मुझे नहीं पता वैसे तो सेम ही होती है रेसिपी सबकी एंड कुछ लोग जो है दही में बनाते हैं और कुछ लोग टमाटर में बनाते हैं और कुछ लोग सिर्फ फ्राई कर लेते हैं आलू एंड नमक और डाल के तो हर किसी की थोड़ी थोड़ी डिफरेंट इस तरह से हो सकती है लेकिन मैं जो है यहाँ पर टमाटर्स में ही बनाती हूँ ज़्यादातर आलू कतलियाँ और दही ऐड नहीं करती लेकिन दही में भी बहुत अच्छी बनती है और आलू का भुरता भी दही में बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है तो यहाँ आलू जो है बन जो है काट के रख लेते हैं स्लाइसिस आलू के और जो है इनको पिल ऑफ करके और अच्छे मतलब आप अपने हिसाब से लेना लेते सब अपने अपने हिसाब से अपने घर के हिसाब से लेते हैं जितना आप लोग खाते हैं एक टाइम दो टाइम जितना आप बनाएँ तो जो है यहाँ पे जो है आलू भी ऐड कर दिए थे अब ज़ीरे के अंदर थोड़ा सा मैं आलूओं को जो है ना यहाँ पर मतलब आलू को हम थोड़ा सा तेल में और ज़ीरे में थोड़ा सा मतलब समझें इसको हम मिक्स कर लेंगे जैसे आलूओं पर भी थोड़ा सा जो है वो हो जाए मतलब इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे या समझ लें कुछ थोड़ा सा ऑयल के अंदर और फिर इसमें जो है ज़ाहिर है हम आहिस्ता आहिस्ता जो है इसमें फिर मसाले ऐड करेंगे यहाँ पर जो है मैंने हल्दी डाली थी और हल्दी के बाद जो है यहाँ पर जो है लाल मिर्च डलेगी अच्छा लाल मिर्च हो हल्दी हो नमक हो अब नमक भी डाला था मैंने यहाँ पर वन टेबल स्पून और हल्दी हाफ़ टेबल स्पून लेती है क्योंकि हल्दी कम डलती है और नमक जो है आप अपने हिसाब से डालें मतलब ज़ाहिर है हर कोई अपने हिसाब से ही डालता है नमक यहाँ पर मैंने टू टेबल स्पून लिया था आई गैस क्योंकि हमारे थोड़ा नमक ज़्यादा खाया जाता है तो आप जो है वो अपने हिसाब से ही लीएगा नमक और फिर मैंने जो है इसमें ऐड कर दिया था लाल मिर्च अच्छा लाल मिर्च भी जो है हर किसी के घर में जो है ज़्यादा नहीं खाई जाती और किसी घर में बहुत ज़्यादा मिर्चें खाई जाती हैं हमारे यहाँ जो है मिर्चें तेज़ खाते हैं तो मैं लाल मिर्च लाल मिर्ची जो है वो ज़्यादा ऐड करती हूँ तो जो है यहाँ पर लाल मिर्ची भी ऐड कर दी थी हल्दी भी ऐड कर दी थी नमक भी ऐड कर दिया थी और ज़ाहिर आलू कतलू में सिर्फ ये तीन चीज़ें ही डलती हैं तो ये तीनों चीज़ें डाल दी थी जीरे के साथ और अब थोड़ा सा इसको जो है आ, मिक्स कर लेंगे ताकि जो है हमारा जो आ, जो हमने अभी स्पाइसिस इसमें ऐड किए हैं वो स्पाइस जो हैं वो आलू के अंदर जो हैं अच्छे से ऐड हो जाएँ अब यहाँ देखें लग रहा है ना कि थोड़े थोड़े से जो हैं आलू के अंदर ऐड हो थो, गए अब जब ये ऐड करने के बाद जो हमने पानी डाल के थोड़ा सा रख दिया था आलुओं को और अब हम यहाँ पर जो है इसके अंदर डाल देंगे टमाटर क्योंकि जाहिर है हमने दो टमाटर ले लिए थे उनको जो है हमने पीसेस में काट लिया था छोटा छोटा चॉप टाइप का और ये जो है हम इसमें ऐड कर देंगे आ, आलू की अपनी कतलियों में जो हमने बनाने रखी थी इसमें ऐड कर देंगे अब जो है हमने यहाँ पर जो है आलू की गतलियों में जो है टमाटर भी ऐड कर दिए थे और अब जो है अच्छा कोशिश किया करें ज़्यादा चम्मच ना चलाएं आलू की गतलियों में अब यहाँ तो हमने टमाटर डाले थे तो थो थोड़े ऊपर नीचे करना पड़ रहा था लेकिन जो है आलू की में ना कोशिश किया कि टमाटर मत डालें अगर आप लोग के घर में जैसे वो पकड़ने वाला होता है मतलब उसे जो भी कहते हैं पॉट हो, होल्डर तो पॉट होल्डर जो है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं उसे सनसोई पता नहीं क्या कहते हैं मतलब उर्दू में भी उसका कुछ नाम होता है कि आई डोंट नो तो जो है इससे भी आप जो है इसको ईज़ली जो है हिला सकते हैं क्योंकि ना आलू गतलियाँ ना टूट टूट जाती हैं कुछ चीज़ें जो होती हैं ना जिसमें ज़्यादा चम्मच ना चलाएँ वो टूटने का डर होता है फिर वो एक तरह से जो है ना तैयार होने के बाद ना वो फिर वो टूटी तूट टूटी बहुत बुरी सी लगती हैं तो कोशिश क्या करें आप आलू अतलियाँ हों या कोफ्ते होते हैं तो उनमें जो है आप ये इसी चीज़ का इस्तेमाल करें ये जो पॉट होल्डर होता है और इसको पकड़ के फिर आप पतीली या पतीला सॉस पैन जो भी है उसको आप हिला सकते हैं इज़िली तो यहाँ मैंने ओसी का इस्तेमाल किया था और यहाँ जो है मतलब आप साइड्स अब यहाँ पे तो मैंने क्या कवर कर दिया था अभी इसको फ़िलहाल जो है फ़िफ्टीन मिनट्स अब छोड़ देंगे क्योंकि आलू को हमें जो है आ, गलाना भी है तो जो है यहाँ पे हमने फिफ्टीन मिनट्स के लिए छोड़ दिया था पानी डाल के रखेंगे थोड़ा सा इतना पानी हो कि ये लगें भी ना और इसमें गल भी जाए और मतलब नीचे से लगें भी ना तो यहाँ पे जो है पानी डाल के रख दिया था और अब जो है गाइस 15 मिनट्स हो चुके थे यहाँ मैंने आके चेक किया था और अब देखिए माशाला से इसकी पोजीशन काफ़ी बेहतर थी और इसमें मैंने फिर बाद में जो है ना हरी मिर्चें काट के और इसमें थोड़ी सी जो साबुत लाल मिर्च होती हैं वो भी ऐड कर दी थी तो माशाला से इसका जो लुक है वो बहुत अच्छा आ रहा था माशाला बहुत अच्छी लग रही थी और बनी बहुत अच्छी थी और लास्ट में मैंने इसमें बस ये जो है तेल ऊपर आ गया था लास्ट में मैंने इसमें जो है गर्म मसाला ऐड कर दिया था तो माशा बहुत अच्छी बनी थी और यहाँ जो दूसरी तरफ जो है मैंने भेजा भी बनाया था दोपहर के लिए तो मतलब दो चीज़ें कर ली थी जाहिर के रात तक ईज़ली जो है वो चल जाएंगी तो जो है दो चीज़ें हो गई थी ज़ाहिर आज कट्टियाँ जो है हैं वो हर कोई नहीं खाता और खाते हैं तो इतने बहुत घरों में इतने शौक से नहीं खाई जाती तो साथ में एक और आइटम था तो यहाँ जो है मेरी बच्ची जो है वो खेल रही थी टॉबल से बच्चे जो हैं छोटी छोटी चीज़ों को इतना इन्जॉय करते हैं माशाल्लाह से अल्लाह ताला बस सब बच्चों के जो है नसीब अच्छे करे और जो बेटियां होती हैं वो रहमत होती हैं और जो है जाहिर है मेरी दो दो बेटियां हैं और अल्लाह ताला बस मेरी बेटियों के नसीब अच्छे करे और माशाल्लाह से जो है बच्चे जो हैं ये जो टाइम होता है सबके बचपन का बहुत अच्छा होता है बहुत रिलैक्स टाइम होता है और यहाँ शाम का टाइम था गाइज़ और यहाँ चाय के साथ में इन्जॉय रही थी चिप्स और जो है गाइज़ अल्लाह हाफ़िज़